हेलो टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू आवर चैनल वी आर नॉलेज। सारे का स्वागत किया जाता है जी। सब तो पहला मेन जिहड़ी कि करनी बहुत जरूरी होंगी है कि फॉलो कर लो सानू इंस्टाग्राम से वी आर नॉलेज, सबसक्राइब कर लो साडे यूट्यूब चैनल वी आर नॉलेज। अगर तुहानू कोई वीडियो अच्छी लगती है या वधिया लगती है वट्सअप से सानू आ नंबर से एप्रीशिएट जरूर कर दिया करो। तुहानू दस्सिया करो तुहानू किस तरह की वीडियो वधिया लगी है, किहड़ी ज़्यादा वधिया लगी है, किहड़ी ठीक ठीक लगी है, ठीक है। या कोई टॉपिक तुहानू लगता वीडियो बनानी चाहिए सानू तो मैंने जरूर दसिया, ठीक है जी। जरूर एप्रीशिएट करना जरूर चाहिए हर एक बंदे को। अगर वैसे भी किसी इंसान को मिलते हैं कोई काम कर रहे हैं एप्रीशिएट जरूर करो, तो तुम भी जरूर दसो तुम किमें लगती साड़ी वीडियोस, ठीक है जी। चलो जी आप शुरू करते हैं। अच्छ करना क्या है काम अपना डेली वोकैबवर्ड, अठवीं वीडियो वोकैबवर्ड की। अच्छा किधर आप होर की नवी चीज़ शुरू कर जा रहे हैं, हर मंथ 7 तरीक न 15 तरीक न पक्का एक वीडियो की आप अपलोड कर दिया करा जी। तो वह वोकैबवर्ड से तो पक्का ही हो क्योंकि काफ़ी जो फोन आते मैसेज आते दस दें वोकैबवर्ड रह जाते हैं, जरूर दस दया करो कहानी के नाल याद रह जाते हैं। तो तुम भी की है जरूर याद रखा करो 7 तरीक तो 15 तरीक हर मंथ के डेली वोकैबवर्ड्स पक्का अपलोड हो जाया करेंगे सवेरे 9 बजे, ठीक है जी। अठवीं वीडियो आप तैयार करते हैं किमें जी, पहले 5 वर्ड ये किड़े होंगे किड़े सेंटेंसिस हो गए वो चैक करते हैं। उस तो भी पहला आप देख लीए जी अपना जो यूट्यूब चैनल है जी वी आर नॉलेज, जिसे आप आयल स्पीटी या स्पोकन इंग्लिश या बेसिक ग्रामर दी हो गए कैब वर्ड हो गए सारी चीज़ा पाते रहने ये अपने को देखो जी वोकैबलरी या राइटिंग पीटी होगी बेसिक इंग्लिश पीटी डेमो हो गया आयल्स टास्क 2 हो गया, ठीक है। या होर भी कोई वीडियो जो सब तो बता अपनी टेंसिस वीडियो होगी या वोकैबलरी हो गई ये बद चल ने तो इन्होंने की अगर तुम होर भी वीडियो पसंद आती है लाइक करते रहा करो, कमेंट करते रहा करो या मेरे को वट्सअप से मैसेज करके दसते रहा करो। अब आप शुरू कर जा रहे हैं डेली वोकैब वर्ड आप शुरू करते हैं, ठीक है जी। सबसक्राइब करना नहीं भूलना कर ही देना जरूर। चलो जी पहला अक्षर की है, उस तो पहला पहले अक्षर तो पहले एक सेंटेंस लिखा जाए जिहड़ा कि एक्सप्लेन करता रहू सारी कहानी भी उही वर्ड में आप लिखना है, जिवें कि पहला अक्षर की है वो चैक करिए पंजाबी दे विच। तो जी पहली एक पहला सेंटेंस लिखन जा रहे हैं पंजाबी दे विच, फिर उन ट्रांसलेट करांगे इंग्लिश दे विच नाल ही एक वोकैब वर्ड सीख लवांगे, ठीक है जी। चलो शुरुआत करते हैं। पहला सेंटेंस है सेंटेंस है जी एक मन घड़त कहानी है। हुण मन घड़त चीज की होंगी है, मेन फोकस हुण उहदे ते होना चाहिए अपना, क्योंकि मन घड़त अगर समझो फिल्मां जिहड़ियां देखते हैं आप आयरन मैन अवेंजर्स देखते हैं सुपरमैन स्पाइडरमैन बैटमैन ये सारिया की होंदिया ने मन घड़त होंदिया ने, असली चाहे तो कुछ नहीं होंदा। वो सारिया जिहड़ियां फिल्मां होंदिया ने या थॉट होंदे ने सोच अपनी वो की होंदिया ने मन घड़त होंदिया ने, भी अपने वल्लों बनाई गई चीज़ है असलियत विच कुछ नहीं हैगा। जिवें फिल्मों के भी जब लिखा जाता फिक्शन मूवीज़ वह मीनिंग की होंगे भी जी असं सोची है हों कुछ नहीं सोची है जी, है ना। तो एक होंगे ने रीयल बेस्ड मूवीज़ रीयल इंसीडेंट मे बेस्ड मूवीज़ वो कि होंगे सच्चाई या असली में होया अकॉर्डिंग फिल्म तैयार की है, ठीक है। दोनों च फर्क आ गया, मन घड़त जी होगी उन्हें हमने वर्ड बोल के गया वह वर्ड होंगे कि फिक्शन, फिक्शन का मीनिंग की हो गया अभी मन घड़त हो गया भाई जो आप सोच लिया वो चीज़ बना दी भी बंदा उड़ूगा तैरूगा अंडर वाटर भी उत्थी रह लगेगा, है ना भाई ऑक्सीजन की लड़ नहीं पेगी उन्होंने वो भी उसे मन घड़त होगी अपनी, ठीक है। एक बंदा की करे भी जो छाल मारे कोठे तो उन्होंने सट ना लगे, ठीक है। डेडपूल वगैरह भी मारा कुत्ते चलो मारी चलो इन्नी उम्र कुछ नहीं फर्क पैंदा, ठीक है। वो ये सारी चीज़ें की हो गई अपन मन घड़त होगी अपने वालों सोची गई चीज़ा हो गई, फिर ये अकॉर्डिंग सेंटेंस की बन जूगा सारा एक मन घड़त कहानी है। This is a सेंटेंस बन गया दिस इज ए फिक्टिशियस है किसी एक कहानी सी उन्होंने की कहते हैं स्टोरी, दिस इज फिक्टिशियस स्टोरी। फिक्टिशियस स्टोरीज कि होंगे फिक्शन बेस्ड मूवीज होंगे जड़िया फिक्शन बेस्ड थॉट होंगे ने मन घड़त कहानियां वो वर्ड आ गया कि फिक्टिशियस फिक्शन तो बनया फिक्टिशियस बन गया की बन गया आखिर मन घड़त फिक्टिशियस। हुण आपां कि पहला वर्ड नोट करिए फिक्टिशियस का मीनिंग की सी आप नोट कर लैने हुणे मन चलो की हो गया फिक्टिशियस मन घड़त,
चलो पंजाबी जो गया सेकंड वर्ड देख के भी सेंटेंस। नेक्स्ट आ गया जी पंजाबी नेक्स्ट सेंटेंस लिख रहे पंजाबी दे विच ट्रांसलेट कराएंगे नाल उच्चो वोकैब वर्ड कर देंगे जिवें कि आपां सारे अपन सारे बस स्टैंड ते इकट्ठे होवांगे। ठीक है जी आप लिख लेंगे सेंटेंस। लो जी पंजाबी सेंटेंस लिख चुके हैं अपन सारे बस स्टैंड ते इकट्ठे होवांगे। ठीक है जी हुण इस सेंटेंस विचों वोकैब कढ़ांगे अपन ते नाल ही सिखांगे उहनूं लिखणा किवें। ठीक है जी चलो पहला आपां चक्कदे हां वी किहड़ा आपां नूं औखा लगदा जां जिहड़ा वोकैब वर्ड आ मेन। चल मैं जिहड़ा अक्षर सिखाउणा चाहुंदा उह हैगा अक्षर इकट्ठा होणा। वो अलग अलग आके की है मीनिंग्स पंजाबी भी बनते हैं तो इंग्लिश भी बनते हैं आप उन्होंने समझते हैं जिमें कि पहला आप लिखते हैं इकट्ठा होना। चलो तीन तरीके का लिखे जी इकट्ठा होना। पहला इकट्ठा होना आप इंग्लिश समझते की कह सकते जिमें कि गैट टूगैदर। गैट टूगैदर इकट्ठा होना जो आप रल मिल के इकट्ठे होंगे पार्टी करते हैं गैट टूगैदर करते रल मिल के आप एक पार्टी की है थ्रो करते हैं या पार्टी देने उन्होंने की गैट टूगैदर कहते हैं। इकट्ठा होना गैट टूगैदर या पार्टी करते जो है ना जब तक उदो यूज यूज किया जाता है गैट टूगैदर या गैट टूगैदर करते इकट्ठे होकर मतलब रल के पार्टी करते हैं जो फ्रैशर पार्टी करते हैं है ना कह देने गैट टूगैदर वो हो गया इकट्ठा होना गैट टूगैदर हो गया। अगे गैट टूगैदर एक होर की होंगे वो लिखिए आप वर्ड सुने होना तुम गैदर। गैदर का मीनिंग की होंगे इकट्ठा होना यह भी सेम हो गया गैट टूगैदर। गैदर की होंगे इकट्ठा होना। अच्छा इकट्ठा होना गैट टूगैदर हो गया सॉरी गैट टूगैदर हो गया एक हो गया इकट्ठा होना गैदर। तीजा वर्ड देखो जी की है आप वर्ड भी है जी असैम्बली असैम्बली असैम्बल कर असैम्बल। असैम्बल का मीनिंग की होंगे इकट्ठा होना जिमें कंप्यूटर भी कहते हो सुने हो तुम पीसी या सीपीयू नूं की करते असैम्बल करने वाला पाया यार मेरा मतलब उन्होंने अलग अलग किया पे उन्होंने इकट्ठा करने वाला जोड़ने वाला उन्होंने इकट्ठा करने वाला तारा अलग अलग कीतियां मैं इकट्ठा करने वाली वो की हो गया असैम्बल। मेरा पीसी समान जो अलग अलग पे उन्होंने असैम्बल करने वाला। ठीक है जिम्मे लैपटॉप के कह सकते हैं आप लैपटॉप यार मेरा ना मैं खोल के रखा हुआ असैम्बल करना जी मैं मतलब इकट्ठा करना जी है ना वो हो गया कि असैम्बल। हुण आपां करिए बस स्टैंड ते इकट्ठे होना होवे उदों की यूज करांगे आपां तिन्नां विचों एक अक्षर यूज करांगे आपां वो लिखदे हां की सेंटेंस लिख लगे आपां उही आपां सारे बस स्टैंड ते इकट्ठे होवांगे उहदी इंग्लिश बण गई वी आपां सारे इदां करके अज कर लिखता आपां इक इकट्ठे होवांगे फ्यूचर की गल हो रही है तो शैल कर रहे हैं वी शैल ऑल गैदर एट बस स्टॉप बस स्टेशन या बस स्टॉप पर बस स्टॉप ज्यादा सही लगता वी शैल ऑल गैदर एट बस स्टॉप। ठीक है कि बन गया आप सारे बस स्टैंड इकट्ठे होवे अपने को अखर नवा आ गया वह कैब तो आप नोट कर लेना दूजे नंबर से। गैदर का मीनिंग की होगा इकट्ठे होना दूसरा वर्ड हो गया तीसरे से हो गया वधिया तरीके कैट करा देखोगे। तीसरा सेंटेंस लिख रहे हैं सारे अध्यापक ने उसनू उसनू शाबाशी दित्ती। सेंटेंस हो चुका सारे अध्यापक ने उसनू शाबाशी दित्ती। लो जी आ सेंटेंस लिखे जिहड़े विच आपां लभीए हुण शाबाशी क्या होवे है ना शाबाशी तुहानूं पता वैलडन कहिंदे होंगे सारे तुसीं वैलडन वैलडन हुंदा शाबाशी देना पर आपां सेंटेंस विच यूज किवें करांगे उह की आपां सिंपल जे कल्ला वर्ड यूज करना होवे वैलडन वैलडन गुड उदों कह सकदे हां पर सेंटेंस दे विच की कहांगे उह यूज करना सिखदे हां आपां। चलो उह देखिए शाबाशी का मीनिंग देखिए ते एक होर शाबाशी का मीनिंग देखिए दो तरह की शाबाशी होंगी देखने तुम कि मिली उसे। चल पहली शाबाशी देखिए वह की है तुहाडे लई एक होंगी शाबाशी जो बंदा कहता भी ठीक है मुंडे ने काम वधिया किया है ना भी कहते गुड है ना अच्छा उदो आप एक वर्ड यूज कर सकते इंग्लिश वधिया तरीके दे नाल वो है अडमायर। ठीक है अडमायर अडमायर का मीनिंग की होंगे अडमायर
ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਐਡਮਾਇਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅੜ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹਨਾ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਐਡਮਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਡਮਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਇੱਕ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਵੇਂ ਬੈਕ ਇੱਕ ਆਹ ਵਰਡ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਡਮਾਇਰ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਪੈਟ ਦਾ ਬੈਕ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਆਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਢੂਈ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਬੈਕ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਗੁੱਡਾ ਕਾਕਾ ਖਿੱਚੀ ਰੱਖਾਂ ਵਾ, ਉਦੋਂ ਪੈਟ ਦਾ ਬੈਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਵੈਲ ਡਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਡੋਸ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਡੋਸ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹਨਾ। ਪੈਟ ਦਾ ਬੈਕ ਐਡਮਾਇਰ ਪੈਟ ਦਾ ਬੈਕ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਦੇਖ ਕੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਆਓ ਟੀਚਰਸ ਪੈਟਡ ਹਿਸ ਬੈਕ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਲ ਟੀਚਰਸ ਪੈਟਡ ਹਿਸ ਬੈਕ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਜਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਅੱਗਿਓਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਬੈਕ ਤੇ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਕਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੂੰ, ਕੁਝ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪੈਟਡ ਹਿਸ ਬੈਕ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਲਿਆ ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਆਲ ਟੀਚਰਸ ਪੈਟਡ ਹਿਸ ਬੈਕ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਅੱਖਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਲਿਖ ਲਈਏ, ਪੈਟ ਦਾ ਬੈਗ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਬਣ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣਾ ਲਿਖੋ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਣਾ ਗੁੱਡ। ਚੌਥਾ ਅੱਖਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਚੌਥਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਚੌਥਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੈਵਰਡ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜਨਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜਨ ਦੇ ਦੋ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜਨਾ ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੀਏ, ਬ੍ਰੀਚ, ਬੀ ਆਰ ਈ ਏ ਸੀ ਐਚ, ਬ੍ਰੀਚ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਤੋੜਨਾ, ਪਰ ਤੋੜਨਾ ਕਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹਦਾ ਤੋੜਨਾ, ਪਰ ਤੋੜਨਾ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜਨਾ ਹੋ, ਤਾਂ ਬ੍ਰੀਚ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜਨਾ। ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੀ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜਨਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਬ੍ਰੀਚ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਖਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕਾ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਸਨੈਪ, ਸਨੈਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੋੜਨਾ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਨੈਪ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜਨਾ ਸਨੈਪ। ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਯੂ, ਅੱਛਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਯਾਦ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮੋਡਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਪਲੀਜ਼ ਥੱਲੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੀਚੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਡਾਲਸ ਮਸਟ ਜਾਂ ਹੈਡ ਬੈਟਰ ਜਾਂ ਵਕੈਬਲਰੀ ਵਰਡਸ ਉਹ ਨੀਚੇ ਸਾਡੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਛੋਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟ ਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਆਸਾਨ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਟੈਂਸਿਸ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰੋ ਮੋਡਾਲਸ ਕਰੋ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਇਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਵੇਂ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ, ਯੂ ਸ਼ੁਡਨਟ, ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਯੂ ਸ਼ੁਡਨਟ, ਪਰ ਸ਼ੁਡਨਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸ਼ੁਡ ਨਾਟ, ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਨਾਟ ਹੈਵ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਵਰਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੋੜਨਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰੀਚ, ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ਬ੍ਰੀਚਡ, ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਨੈਪ, ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ਸਨੈਪਡ, ਅੱਛਾ ਕੀ ਤੋੜਿਆ ਕੀ ਆ ਉਸਦਾ, ਕਿਆ ਇਸ ਟਰੱਸਟ, ਹਿਜ਼ ਟਰੱਸਟ,
चलो आप देखिए की सेंटेंस बना लिया आप, यू शुड नॉट हैव ब्रीच्ड स्नैप्ड हिज ट्रस्ट, दोनों में से एक यूज करेंगे ब्रीच या स्नैप्ड। चलो दोनों में से एक आ जाएगा करके यू शुड नॉट हैव ब्रीच्ड हिज ट्रस्ट, भी जनता ने किया उसका विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए था सी, तुसी तोड़ता चल कोई चक्कर नहीं, हम मार दे रहे हो गया पर तोड़ना नहीं चाहिए था सी। चलो सेंटेंस बन गया यू शुडंट हैव स्नैप्ड हिज ट्रस्ट। चलो आप यूज करिए वर्ड चौथे नंबर पे, हम स्नैप का मीनिंग की सीगा विश बस तोड़ना। चलो पंजवा लास्ट चक्कर बढ़िया तरीके से करते हैं, देखिए क्या है अगला सेंटेंस है जी। अगला सेंटेंस उसने मैं कई उसने मेनू कई बार एहसास करवाया, क्या सेंटेंस ढंगाई दुखी हिरदे नाल बोल रहा कि बंदा ठीक है पहला विश्वास तोड़िया उस तो एहसास करवाया, क्या बात है। चलो पंजे सेंटेंस में देखिए क्या है, अच्छा चलो कई बार दी इंग्लिश की होगी, कई बार दी इंग्लिश लिखिए मैनी टाइम्स, कई बार एहसास करवाया उसने मैनू कई बार एहसास करवाया, ओके मैनी टाइम्स तो लिख लिया हमने, अभी लिखना है उसने रियलाइज कराया मतलब एहसास करवाया, अपन सिंपली लिख देना क्योंकि बड़ा औखा है सिंपल जी, ही मेड मी रियलाइज, He made me realize, He made me realize, उसने मुझे कई बार एहसास करवाया कि तू गलत था। क्या लिखता? Many times he made me realize। अच्छा अक्षर समझ गए, गल समझ गए, हुण आपां की कीता एहसास दा मीनिंग की हो गया, कि आपां किसी नूं फील करवाया कि तू गलत सी ठीक है मैं सही सी, वो रियलाइज हो गया मीनिंग इंग्लिश दे विच ट्रांसलेट कर लिया मैं, ठीक है। अच्छा पंजवा अक्षर भी कर लिया एहसास रियलाइज कहा जाता है, पर इहदे नाल बड़ा सौखा जिहा सीगा सेंटेंस करवाना सी तां करके करता, पर इहदे नाल थोड़ा जिहा औखा अक्षर पंजवें नंबर ते करान जा रहे हां, उपर देखिए क्या आ अक्षर करान जा रहे हां जी, तुसीं पहलां भी कीता होणा इह पर मेरा फेवरेट है जी, अ फेयर वेदर फ्रेंड, मौसमी दोस्त मेरे। अच्छा मौसमी दोस्त कहड़े होंगे है, जोड़ा मौसम अगला आया तो वह चेंज हो गया पुराने भुल गया, ठीक है भी कोई नवा बंदा आता जिंदगी उन्होंने आले दुआले हो गए पुराना तू कौन है, फेयर वैदर फ्रेंड, मौसम ठंड वाला आया तो भी ठीक है रजाइया लैनिया तो पुराने कपड़े भुल गए, ना ना भुलना नहीं याद रखना है भी ठीक है, वो भी जिंदगी कदम ना कदम कम आए थी वह भी शुकराना है। अब फेयर वैदर फ्रेंड यदा मीनिंग की होंगे जी, ये लिखो स्वार्थी इंसान, ओए होए होए स्वार्थी इंसान कहनू लिखना दोस्त लिखो इतने, फेयर वेदर फ्रेंड स्वार्थी दोस्त, क्या बात। अच्छा स्वार्थी दोस्त या इंसान हो जो भी तो आप वर्ड यूज कर सकते हैं, फ्रेज कहते हैं फेयर वेदर फ्रेंड, फ्रेज वर्ड या ईडियम कह सकते हैं। अच्छा फेयर वेदर फ्रेंड जिहड़ा स्वार्थी दोस्त हो भी जदों लोड़ सी उदों काम ना आवे उह आले दुआले सीगे, या जदों पैसे सी उदों नेड़े सीगा, जदों भाई पैसे नहीं उदों गैप हो गया, जदों लोड़ सी उदों खड़िया नहीं तां फालतू ऐ घूमदा फिरदा रहिंदा, पर जदों लोड़ होवे बंदा खड़ जाए जिहड़ा उह बंदा बंदा बाकी दा सिर्फ फेयर वेदर फ्रेंड ही है, फेयर वेदर फ्रेंड कोई फायदा नहीं इहनां दा, बच के रहो मौसमां तों ही चेंज हुंदे रहिंदे मौसम। अच्छा आपां कर लई डेली वकैब वर्ड्स वीडियो नंबर 8 जिदे विच आपां की पंज वर्ड्स कीते सी वधिया तरीके नाल विद सेंटेंसिस पंजाबी ते इंग्लिश ट्रांसलेशन दे नाल, किवें लगे तुहानू मैनू जरूर दसने तुसी कमेंट करके, प्लस यूट्यूब चैनल ते जाके तुसी मेरी पुरानी वीडियोस भी देखनियां ने, जिवें कि तुहानू मैं एक शुड वाली ते मस्ट वाली दस रहा सी गल वाह वीडियो पई है जी, ठीक है नहीं पता लगदी तां प्लेलिस्ट दे विच जाओ उत्थे सारियां कट्ठियां करके रखियां होईयां ने वोकैबुलरी वीडियोस, या किसी ने बेसिक इंग्लिश सीखनी हो या टेंथी सीखनी हो, पर मेरी राय है भी तुम जो अगर किसी ने नवी इंग्लिश सीखनी हो मतलब कई बंद आई नहीं है ना कई बंद आते मैं सीखनी चाहना तो पहले बेसिक इंग्लिश के वीडियोस देखने तो बाद फिर वह बंदा की करे
टेंसिस सीखे, टेंसिस के नाल नाल की वोकैबलरी वीडियो देखता रहे, ठीक है। जे हो जाता है फिर वो एल्स शुरू कर ली, जिन्हें राइटिंग टास्क टू कर ली, जो उन्हें एल्स नहीं करनी तो पी टी की डेमो इंट्रोडक्शन हैगी है वो देख ली, उन्हें गल समझ आती तो पी टी कर सकता, ऑनलाइन कर सकता है, बैच शुरू अपनी, ठीक है। बैच हमेशा चलते ही रहते हैं, एडजस्ट करके आप चला लेंगे, किसी कोई भी बंदा जो वीडियो करना सुनने क्लास लाना चाहता है तो जरूर आए, ठीक है जी। आप उपर भी नंबर दे के रखा हुआ है, फोन करो, मैसेज करो, एप्रीशिएट करो, जो तुम्हें वीडियो भी अच्छी लगती नहीं अच्छी लगती तो हमें दस दो भाई कोई चक्कर नहीं, सलाह तो रख ही लवेंगे, कम हो गया दिन कभी। वी आर नॉलेज के आयल्स पी टी स्पोकन इंग्लिश कोई भी तरीके कोर्स करना चाहो तो इतने आके तुम दस सकते हो नंबर पर 9872594011। इंस्टाग्राम से फॉलो कर लो सू वी आर नॉलेज, पहले यूट्यूब से सबसक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि मेरे आस जो थोड़े जे रह गए 1000 होने लिए, मेरा पहला एम है कि 1000 अपने सबसक्राइबर हो जाए, तो प्लीज़ सबसक्राइब कर लो, जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ ही कर लो। अच्छा जिन्होंने ठीक वधिया लगती वीडियो तो जरूर दसाया करो, ठीक है जी। तो अज की वीडियो अपने को इन्ना की सीगा, जे किसी कोई होर चीज़ चाहिए हो जिमें कि अपना जिन्होंने सेंटेंसिस कर लेने वोकैबलरी से कर लेने बेसिक इंग्लिश कर लेना तो PDF फाइल लैके उन्होंने घर बह के आप भी बना सकता है, मैंने वापस तुम लिख के भेजो, मैं चैक करके दसूँगा तुम। हाँ उस तो अलावा जिनी भी वीडियोज़ पाई ने वो तो मेरिया फ्री है, पर बाकी होर भी अगर तुम सीखना चाहते हो तो पेड क्लास ज्वाइन करो जरूर, कुछ नव सीखने जरूर मिलेगा। जो तुम ठीक लगता है मेरा समझा तो वही गल है, तो जरूर सीखो, क्लास ज्वाइन करो जरूर जी, ठीक है जी। वी आर नॉलेज, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। Bye-bye.